वही अगली खबर देहरादून से है, जहां पर्यावरण को हरित रखने और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने को लेकर रविवार को एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम में आयोजित किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में गंगोत्री बिहार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित तमाम वरिष्ठ विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। वही वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मां विष्णा देवी के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में पहले संस्कार शिक्षा मां के द्वारा होती है, वही इसके लिए एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम रखा गया। वही हरेला पर्व से ही इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि रक्षाबंधन के दिन तक चलेगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश। आज शुभ दिन है और आज पूजन शुभ दिन है और ऐसे दिन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी की प्रेरणा से विश्व पर्यावरण दिवस से उस दिन से पूरे देश के अंदर अभियान चल रहा है एक पेड़ माँ के नाम। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला संस्कार, सबसे पहली शिक्षा लेने का काम माँ के द्वारा होता है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, मैंने आज माँ के साथ माँ के एक पौधे का इनके नाम का रोपण किया है और निश्चित रूप से ये हमारे लिए वैसे भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान पौधों के रोपण का है, वृक्षारोपण का है। और ये अभियान हमारा हरेला पर्व से चल रहा है। हरेला पर्व पर हमने 50 लाख पौधे और वृक्ष लगाने का अभियान लिया था और पूरे महीने भर ये रक्षाबंधन तक ये कार्यक्रम चलेगा हमारा। और वैसे भी पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से हम देश के ऐसे भूभाग में रहते हैं, ऐसे राज्य में हम सब राज्य के वासी हैं जो पूरे देश को और दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का मंत्र देने का काम, दिशा देने का काम करता है। उस दिशा में हम जहाँ विकास के मामले में आगे बढ़ रहे हैं, उसका अभी जो नीति आयोग का सूचकांक इंडिकेटर जारी हुआ है, उस इंडिकेटर में हमारा राज्य उत्तराखंड देश के पहले राज्यों की श्रेणी में आ गया है।